जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम सभी जो हैं भक्तामर स्तोत्र का स्वाध्याय करने हेतु एकत्रित हुए हैं। हमने अब तक जो है इसके 44 श्लोक का स्वाध्याय कर लिया है। इनका उच्चारण, इनका अर्थ और इनका डिटेल में, विस्तार में अपन ने सार जाना है। आज की चर्चा को अपन मंगलाचरण कह करके आरंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरीयाणम्, नमो उवच्छायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्। जी, तो पहले हम जो है कल के श्लोकों को रिवाइज कर लेते हैं। 43rd श्लोक, सबसे पहले हम इसका उच्चारण देखते हैं। इसका क्या उच्चारण आया था? कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तर नातुर योद्ध भीमे, योद्धे जयम् जेत दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकज वना श्रयिणो लभन्ते। इस श्लोक में जो है युद्ध में किसी बलवान शत्रु से अगर लड़ाई चल रही हो तो ऐसे में भगवान का आश्रित पुरुष जो है वो ऐसे युद्ध को जीत लेता है, ऐसी बात इस श्लोक में आई थी। इसका अर्थ अपन ने इस प्रकार देखा था कि आपके चरण कमल रूपी वन का जो आश्रित पुरुष है वह भालों के अग्रभाग से विदारे हुए हाथियों के बहते हुए खून की तरह जल प्रवाह में अति शीघ्रता से उतरने के लिए और तैरने के लिए आतुर योद्धाओं जैसा भयंकर युद्ध में दुर्जय शत्रु पक्ष को भी पराजित करके विजय को प्राप्त करते हैं। सेंटेंस कितना बड़ा हो गया, पर अगर हम इसे शॉर्ट में समझें, इसके विशेषणों को और इसमें युद्ध के दृश्य का जो एक्सप्लेनेशन है उसको अगर हटाकर बात समझें, तो इतनी सी ही बात है कि एक भयंकर युद्ध है जिसमें शत्रु राजा बड़ा बलवान है, ऐसे में किसी की सेना हारती हुई नजर आ भी रही है, तो अगर वो जिनेंद्र भगवान का आश्रित है, जिनेंद्र भगवान का भक्त है, तो ऐसे में वो युद्ध जीत जाएगा। ऐसे युद्ध में विजय के बारे में ये श्लोक था। अगला श्लोक अपन ने पढ़ा था कि भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही समुद्र यात्रा निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाती है। सी रूट से कभी भी ट्रैवल करते वक्त, वाटर ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त किसी को जैसे पानी का डर होता है, तो उस डर को दूर करने वाला ये श्लोक है। कभी पानी से ट्रैवल करते वक्त, समुद्र में कभी तूफान आ गया या वर्वाग्नि आ गई या फिर ओशियन के क्रिएचर्स जैसे कि जल के जीव जो है उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स हुई, तो उन सब के भय को निवारने वाला ये श्लोक है। अम्भो निधौ शुभेता भीषण नाक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दुर्वण बाढ़वाग्नौ, रंगत रंग शिखर स्थित यान पात्रास, त्रासं विहाय भवत स्मरणाद्रजन्ति। क्या अर्थ था इसका? कि शोभ को प्राप्त हुए
भीषण मगरमच्छों के समूह और मछलियों की टक्करों से भय और विकराल, भयपूर्ण भयानक और विकराल, वड़वाग्नि से युक्त समुद्र में चंचल लहरों के शिखर अर्थात अग्रभाग पर स्थित जहाज, जहाज के पात्र अर्थात मनुष्य आपके स्मरण से त्रास के बिना, किसी पीड़ा के बिना यात्रा कर लेते हैं। ऐसा श्लोक का अर्थ था कि समुद्र को ऐसा लग रहा है कि समुद्र क्षोभ को प्राप्त हो गया है, समुद्र क्रोधित हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और वहां मगरमच्छों का समूह है, ऊपर ही मगरमच्छों का समूह बोट से भिड़ रहा है, यान से भिड़ रहा है, मछलियों की टक्करों से बहुत ही विकराल दृश्य बन गया है, बहुत ही भयानक दृश्य बन गया है। ऐसे में वड़वाग्नि भी है समुद्र में, या तो आप पानी में डूबकर मरोगे या वड़वाग्नि में जलकर मरोगे, ऐसा कोई दृश्य बन रहा है। ऐसे समुद्र में और भी आइसिंग ऑन द केक के लिए बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, बहुत जोर जोर की, वो पूरी बोट को ही हिलाकर लेके जा रही हैं। तो ऐसी लहरों के ऊपर जो जहाज है, जो यान है, उस यान में बैठे हुए लोग तो कितने भयभीत हो जाते होंगे, वे तो अपना पूरा जीवन सोचने लग जाते होंगे, उन्हें तो बस मरण की प्रतीक्षा रहती होगी। ऐसी भयंकर स्थिति में भी भगवान का नाम, जिनेन्द्र भगवान का स्मरण उनको बिना किसी भय के यात्रा करवा देता है, किनारे पहुंचा देता है। इस श्लोक को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस संसार समुद्र से अपन को भगवान का नाम जो है पार करवा देगा। ये अपन संसार समुद्र में पड़े हुए हैं, चार गतियां हैं यहाँ पर, इन चार गतियों में अपन को आठ प्रकार के कर्म जो है घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। इस तरह का विकराल ये संसार समुद्र है। अब इस संसार समुद्र से हम पार कैसे हों? तो जिनेन्द्र भगवान का स्मरण हमारे लिए एकमात्र यान, जहाज, शिप है। अगर हम जिनेन्द्र भगवान का निश्चय से स्मरण करेंगे तो हम इस संसार समुद्र को पार कर लेंगे और हम फिर मोक्ष के किनारे पर आ जाएंगे, अर्थात हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अपन इस श्लोक को ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ, तो ये कल का रिवीजन हुआ। अब अपन जो है आज के श्लोक की तरफ पढ़ते हैं, 45 श्लोक। 45 श्लोक में मरण के लिए क्या उदाहरण आ रहा है? अब तक अपन ने कितने उदाहरण देखे? कल अपन ने देखा कि पानी में डूबकर भी आपकी मृत्यु हो सकती है, या फिर युद्ध में भी आपकी मृत्यु हो सकती है। अब 45 श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आपको कोई व्याधि हो जाए, व्याधि अर्थात डिसीज, डिसऑर्डर, रोग, तो रोग से भी तो मृत्यु होती है ना, तो उस वैसा उदाहरण आया है। अब अपन इसको देखते हैं। अपन को व्याधियों से डर लगता है, रोग से डर लगता है, तो उस भय को भगाने के लिए ये श्लोक है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोच्याम दशा मुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकजरजो मृतदेहदेहा मर्त्याभवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा। अब अपन इसका अर्थ देखते हैं। देखो, सभी लोग अर्थ को एक-एक शब्द का अर्थ मैं बताती हूँ तो आप वैसे समझें, और फिर अगर आपको किसी भी शब्द में हल्का सा भी डाउट हो तो आप पूछ ले रहे। अगर आपको पूरे श्लोक का ही अर्थ ना समझा हो तो भी पूछ लें, या इसका उच्चारण, इसको रीड करने में प्रॉब्लम आ रही हो
भी आप पूछ लें, अपन यहाँ पर इसको विस्तार में समझने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो अब अपन इसका अर्थ देखते हैं, क्या अर्थ है इसका। उद्भूता, उद्भूता अर्थात उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ मतलब क्रिएट हुआ। क्या भीषण, भीषण अर्थात बहुत, भीषण अर्थात बहुत दुर्लभ। जलोदर, जलोदर अर्थात एक रोग होता है, एक डिसीज होता है जलोदर नाम का, जिसमें पेट में जो है पानी भरता जाता है और पेट जो है वो फूलता जाता है, लाइक एब्डोमेन में पानी अक्यूमुलेट होता रहता है, उससे आपका पेट बड़ा, बहुत बड़ा हो जाता है। फिर उसकी वजह से आपका चलना, बैठना या किसी भी प्रकार का मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप कुछ खा नहीं सकते हो, हमेशा एंजाइटी रहती है। तो ये एक रोग है, जलोदर रोग। इस जलोदर रोग के बारे में ये बात आई है यहाँ पर कि उत्पन्न हुए भीषण जलोदर रोग के भार भुगनाहा। भार अर्थात जलोदर में जो है, ये जो रोग है इसमें आपका पेट बहुत भारी हो जाता है, तो उस भारीपन की वजह से आप झुक जाते हो। ऐसे जैसे पेड़ जो होते हैं उन पर जब रसीले फल लग जाते हैं बहुत सारे, तो पेड़ जो है झुके झुके से हो जाते हैं। जब कोई बच्चा हैवी बैग लेकर स्कूल जाता है तो उसके कंधे झुक जाते हैं, वैसे यहाँ पर जो है, जो रोगी पुरुष है उसके पेट में इतना जल भर गया है कि उस भार की वजह से वो झुक गया है। तो भार भुगनाहा अर्थात भार से झुके हुए। आगे शोच्याम दशाम उपगताहा। शोच्याम अर्थात सोचनिया, सोचने लायक। दशा अर्थात सिचुएशन। उपगताहा प्राप्त हुए, सोचने लायक दशा को प्राप्त हुए। जैसे अपन बोलते हैं ना, अरे भाई साहब उनको तो ऐसा ऐसा रोग हो गया, सोचने वाली बात है। से सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है। तो वैसा इस लाइन का अर्थ ये हुआ, शोच्याम दशाम उपगताहा अर्थात सोचने वाली बात है, चिंतित होने वाली बात है कि अरे भाई जलोदर हुआ है, जलोदर के लिए कोई कोई वो इलाज भी नहीं है, तो कैसे ठीक करेंगे इसको, चिंता करने की, सोचने वाली बात है। तो जिन पुरुष को जलोदर हुआ है वो सोचनीय दशा को प्राप्त हो गए हैं। और क्या कह रहे हैं आगे, आप एरो पर ध्यान दें। च्युत जीविताशाहा, च्युत जीविताशाहा। च्युत अर्थात छूट गई है, जीविताशाहा अर्थात जीने की इच्छा, जीने की उम्मीद। कि जिसको रोग हो जाता है वो पहले रोग से परेशान है, फिर उसके जो परिजन होते हैं, मित्र जन होते हैं, उनकी बातों से भी वो आदमी डिप्रेस हो जाता है। तो रोगी पुरुष को तो लगता है ना कि अरे अब तो मेरा जीना बड़ा मुश्किल है, जीने की सारी आस छूट जाती है, जीने की उम्मीद ही छूट जाती है। लोग ऐसा कहते हैं कि अब तो दवा नहीं दुआ काम आएगी। तो दुआ काम आएगी, इसके कहने का अर्थ क्या है कि कुछ भी आप खा लो, पी लो, कोई भी दवा, कोई भी इलाज करवा लो, आपकी जीने की अब उम्मीदें, पॉसिबिलिटीज कम हैं। तो च्युत जीवित आशा अर्थात छूट गई है जीने की आशा। ऐसे मनुष्य, मर्त्या अर्थात मनुष्य, मनुष्य इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, उनके लिए एक शब्द है मर्त्याहा। मर्त्या अर्थात, देखो मर्त्या का मीनिंग जो लोग मर जाते हैं, तो अपन मनुष्य लोग हैं, अमर तो है नहीं, अपन मरते ही हैं, इसलिए मर्त्या। तो ऐसे जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, त्वत्पाद आपके चरण, पंकज कमल, आपके चरण कमल। किसके चरण कमल, किसके, जिनेंद्र भगवान के चरण कमल। आपके चरण कमल की रजोमृत, रजोमृत अर्थात की मिट्टी, और वो मिट्टी कैसी है, अमृत जैसी।
रजोमृत, रज अर्थात धूल, और अमृत अर्थात, अमृत तो आप सभी जानते हैं, नेक्टर, जिससे अमर हो जाते हैं। तो आपके चरण कमल की धूल रूपी अमृत, ऐसी बात कह रहे हैं कि भगवान के पैरों की तो जो धूल है वो भी अमृत के समान पवित्र है, अमृत के समान शुभ है, अमृत के समान मंगल है, ऐसी बात कह रहे हैं। और ऐसी धूल से क्या करते हैं? दिग्ध देहा, दिग्ध देहा, दिग्ध देहा अर्थात देह, ये शरीर, इस पे लगा लेते हैं, लिप्त कर लेते हैं, अच्छे से उस धूल को मल लेते हैं। और ऐसा कर लेने से फिर क्या होता है? मकर ध्वज तुल्य रूपाहा भवन्ति। मकर ध्वज, मकर ध्वज का अर्थ होता है कामदेव। कामदेव के बारे में आपने बातें सुनी होंगी प्रथमानुयोग में, ऐसा कहा जाता है ना, वे पुरुष कामदेव थे। कामदेव अर्थात बहुत सुंदर, पूरा उनका फिजिक एकदम करेक्ट होना, शरीर आड़ा टेढ़ा नहीं, शरीर एकदम पुरुषाकार होना, चेहरे पर चमक होना, जैसे आजकल तो हम सभी के, किसी की आंखें टेढ़ी होती हैं, किसी की नाक पैनी होती है, किसी के बाल कम होते हैं, किसी की भौहें कम होती हैं, किसी के होंठ बड़े होते हैं, होंठ छोटे होते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें हैं। परंतु जो कामदेव होते हैं वो मतलब बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, एकदम परफेक्ट उनका फीचर्स होते हैं। तो मकर ध्वज अर्थात कामदेव बहुत सुंदर। तुल्य रूपाहा, तुल्य रूपाहा अर्थात समान रूप वाले, और भवंती अर्थात हो जाते हैं, कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। अब देखो इसका पूरा अर्थ समझते हैं अपन, कि उत्पन्न हुए भीषण जलोदर रोग के भार से झुके हुए, सोचनीय दशा को प्राप्त हुए, छूट गई है जिनकी जीने की आशा, ऐसे मनुष्य, हे जिनेंद्र, आपके चरण कमल की धूल रूपी अमृत से अपने शरीर को लिप्त कर लेने पर कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो जलोदर से वो अजीब से दिख रहे थे, पेट इतना बड़ा हो गया था, ढंग से बैठा तक नहीं जा रहा था, ऐसे झुक गए थे। और जैसे ही जिनेन्द्र भगवान की चरणों की धूल लगाई, वैसे ही तो वो कामदेव के समान सुंदर हो गए। अब आपको लगेगा, अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, वो धूल से कैसे किसी का रोग ठीक हो सकता है। परंतु आप सभी जानते हैं ये जो 45th श्लोक है ये बड़ा ही फेमस हो गया है। जैसे कि जो लोग व्यवसाय परक होते हैं, जो भक्तामर श्लोक को एक प्रकार से व्यवसाय के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं, यहाँ पर मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ कि जैसे आजकल 45th श्लोक को यूज करके लोग अनक्यूरेबल डिसीजेस को भी क्योर कर देते हैं, जैसे कैंसर। तो किसी जीव को अगर कैंसर है तो अगर वो 45th श्लोक का जाप करता है तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है। ऐसा मैं कह नहीं रही हूँ, ऐसा मुझे भी सुनने में आया है, ऐसा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, कैंसर के ट्रीटमेंट्स होते हैं 45th श्लोक से। पर अपन को तो किसी रोग का ट्रीटमेंट करवाने के लिए श्लोक पर ध्यान नहीं देना है। श्लोक ये महान इसलिए नहीं है कि इससे कैंसर ठीक हो सकता है, कि इससे जलोदर ठीक हो सकता है। ये श्लोक क्यों महान है? क्योंकि ये श्लोक हमारे भय को दूर कर रहा है, ये श्लोक हमें निर्भय बता रहा है, ये श्लोक हमें निःशंकित बना रहा है, इसलिए ये श्लोक महान है। अब देखो ऐसा एक बार सच में भी हुआ था, ये जो बात यहाँ इस श्लोक में आई है ऐसा एक बार सच में भी हुआ था। देखो कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना,
मैना सुंदरी के पति की श्रीपाल की। श्रीपाल समुद्र के रास्ते से गया था, बीच में जहाज डूब गया था, फिर सहस्त्रकूट जिनालय के दरवाजे खोले थे। ऐसी कहानी मैंने कल आपको बताई थी 44th श्लोक के संदर्भ में। आज अपन उन्हीं मैना सुंदरी के बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो मैना सुंदरी जो थी, उनके पिताजी बड़े अहंकारी थे। उन्हें बहुत अहंकार था कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं काम करता हूँ तो मेरे परिवार का पेट भरता है, मैं काम करता हूँ तो मेरे बच्चों को खाना मिलता है। इस प्रकार का उन्हें बड़ा अहंकार था। तो एक दिन वो अपने अहंकार को पोषने के लिए, अपना मान बढ़ाने के लिए अपनी बेटियों से पूछते हैं। उनकी दो बेटियां थी, तो उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि बोलो बेटा, तुम किसकी मेहनत का खाते हो, तुम किसकी वजह से भोजन कर पाते हो। तो उनकी एक बेटी ने तो कहा कि पिताजी, आप कमा कर लाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं तो फिर हम भोजन कर पाते हैं, ऐसा एक बेटी ने कहा। परंतु दूसरी बेटी ने, मैना सुंदरी ने, पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे भाग्य में जो लिखा होता है मैं वही खाती हूँ। आप भले ही कमा कर लाते होंगे, परंतु आप केवल निमित्त मात्र हैं। मैना सुंदरी ने ऐसा कहा कि भले पिताजी आप कमा कर लाते हैं, परंतु आप केवल निमित्त मात्र हैं। मैं जो भोजन करती हूँ वो मेरे भाग्य का होता है। मेरे क्रम के अकाउंट में, मेरा जो कर्मों का अकाउंट है उसमें जो लिखा होगा, जैसा लिखा होगा वैसा मेरे नसीब में होगा, ऐसा मैना सुंदरी ने जवाब दिया। क्रम नियमित पर्याय से रिलेटेड बात कह दी उन्होंने। पर इस बात से हुआ क्या? उनके पिताजी को तो बुरा लग गया। पिताजी तो अपने मान का पोषण करने के लिए पूछ रहे थे, तो पिताजी का अहंकार तो खंडित हो गया। और उन्होंने गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के अपनी बेटी का ब्याह जो है, मैना सुंदरी की शादी एक कोढ़ी व्यक्ति से करवा दी। कोढ़ एक रोग होता है, लेप्रेसी। लेप्रेसी को अपन कोढ़ समझ सकते हैं हिंदी में। इसमें आपके हाथ पांव जो है गलने लग जाते हैं, और आपके शरीर से बदबू आती है, और आपके शरीर में जो पस पीप भरी होती है वो बाहर आने लगती है, और बहुत ही मलिन आपका शरीर हो जाता है। ऐसी अवस्था होती है कोढ़ में। तो अपनी बेटी को बताने के लिए, अपनी बेटी से रिवेंज टाइप का लेने के लिए, उन्होंने मैना सुंदरी की शादी एक कोढ़ी व्यक्ति से करवा दी। उसका नाम श्रीपाल था, और कहा कि अगर तेरा भाग्य इतना ही अच्छा है तो कोढ़ी व्यक्ति से शादी करवा देते हैं, कोढ़ थोड़ी ना ठीक होता है, ऐसा समझ कर उन्होंने शादी करवा दी। पर मैना सुंदरी की भली ऐसे कोढ़ी व्यक्ति से शादी हो गई हो, उन्होंने क्या किया? धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने शादी होने के पश्चात 8 दिन तक सिद्ध भगवान की निरंतर भक्ति की, पूजा की। उससे क्या हुआ? उससे उनका पुण्य बंद हुआ। सिद्ध चक्र विधान का पुण्य ऐसा था कि श्रीपाल का कोढ़ मिट गया, श्रीपाल एकदम स्वस्थ हो गया। और केवल स्वस्थ ही नहीं हुआ, अब तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। उनकी काया एकदम कंचन जैसी हो गई, सोने जैसी चमकदार। तो ये प्रभाव है धर्म का, जिनेंद्र भगवान के नाम का, कि भाई उनका नाम मात्र ही इतना महान होता है कि किसी का रोग ठीक कर दे। ऐसी बात इस श्लोक में है। अब चलो अपन अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है? अब मरण केवल किसी रोग से थोड़ी होता है। मरण तो जेल में पड़े पड़े भी हो जाता है। किसी को जेल में बंद कर देते हैं, फिर कई दिनों बाद न्यूज आती है जेल में भूख प्यास की वजह से वो बेचारे की मृत्यु हो गई, ऐसी बातें आती हैं। किसी को जकड़ के रस्सियों से बांध के रख देते हैं तो भी मृत्यु की बातें आती हैं।
तो इस प्रकार के बंधन के भय से मुक्त करने वाला 46 नंबर का श्लोक है। चलो अपन इसका उच्चारण करते हैं, आप सभी मेरे साथ बोले। आपाद कंठ मोरु श्रृंखला वेष्टितांगा, गाढ़ं ब्राहनी गड़ा कोटि निघृष्ट जंघा, त्वन्नाम मन्त्र मनीषं मनुजास्मरंता, सत्या स्वयं विगता बंध भया भवंती। इसका अर्थ देखिए, आपाद कंठम, आपाद कंठम अर्थात पैर से लेकर के गले तक, आपाद कंठम पैर से लेकर के गले तक, उरु श्रृंखला वेष्टि तांगा, उरु श्रृंखला वेष्टित आंगा, उरु अर्थात बड़ी बड़ी बहुत विशाल बड़ी, श्रृंखला अर्थात बेड़ियां चेन्स, वेष्टितांगा अर्थात जकड़ा हुआ शरीर बंधा हुआ शरीर। ऐसी बात कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बेड़ियां हैं, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, उनसे पैर से लेकर के कंठ तक का शरीर बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। और आगे क्या कह रहे हैं, गाढ़म ब्रहन्नी गढ़ा कोटि निघ्रष्ट जंघा। गाढ़म अर्थात कसकर, टाइटली, वो जो बेड़ियां हैं उन्हें भी एकदम टाइटली कसा गया है। ब्रहन्निगढ़ कोटि, ब्रहन्निगढ़ कोटि अर्थात विशाल बेड़ियां, विशाल सांकलें, किसी किसी कैदी को बांधने के लिए जिस प्रकार की बेड़ियों का यूज होता है वो सांकलें कहलाती हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बेड़ियां होती हैं, गले में, पांव में, हाथों में बंधी होती हैं, और वे कैसे कसकर बंधी हुई हैं, और वो कसकर बंधी हुई हैं तो क्या हुआ, निगृष्ट जंगाहा, जांघें, जंगाहा अर्थात थाईस, जांघें निगृष्ट घिस गई हैं। अब जैसे कुएं पर से पानी खींचते हैं रस्सी से, तो जहां पर वो रस्सी टच करती है वहां पर ब्रिक्स में, ईंटों में निशान पड़ जाता है। अपन 2-3 दिन तक कंटिन्यूअसली घड़ी पहन के रखते हैं तो हाथ में घड़ी का निशान पड़ जाता है। ऐसे तो उनकी कसकर बांधी हुई बेड़ियों की वजह से उनकी जांघों पर, थाईस पर, हाथों पर, हर जगह निशान पड़ गए हैं, जांघें घिस गई हैं, निगृष्ट जंघा अर्थात घिसी हुई जांघें। ऐसी हालत में मनुजाहा, मनुजाहा अर्थात मनुष्य, त्वन नाम अर्थात आपका नाम, मंत्रम अर्थात आपका नाम रूपी मंत्र, आपका नाम अपने आप में एक मंत्र है। अपन कितने मंत्र बोलते हैं, परंतु भगवान का नाम ही अपने आप में एक मंत्र है। और ऐसे नाम रूपी मंत्र का निरंतर स्मरण करने वाले, अनिशम, अनिशम अर्थात निरंतर, विदाउट एनी स्टॉपेज, अविरलता से, स्मरंतः, स्मरंतः अर्थात स्मरण करने वाले, चिंतन करने वाले, सद्यः, सद्यः अर्थात शीघ्र ही, शीघ्रता से, बड़ी जल्दी, स्वयं, स्वयं अर्थात अपने आप, आपो आप ही, ऑटोमैटिकली, विगत, विगत अर्थात रहित हो जाते हैं, बंध, बंध अर्थात ऐसे बंधन के, भया अर्थात भय से, भवंती हो जाते हैं। देखो क्या अर्थ है, पैर से लेकर के गले तक बड़ी बड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए शरीर वाले, कसकर बांधी हुई सांकलों से घिस गई हैं जिनकी जांघें, ऐसे मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र का
निरंतर स्मरण करने से शीघ्र ही अपने आप बंध के भय से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी बात श्लोक में आई है। अब देखो इसमें ऐसी बात ये बता रहे हैं कि कोई कोई जो है बेड़ियों में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, अगर वो आपका सच्चा भक्त है तो वो निश्चित ही बेड़ियों के भय से मुक्त हो जाएगा। अगर बेड़ियों से मुक्त नहीं हुआ तो क्या बेड़ियों के भय से तो मुक्त हो ही जाएगा। अब आप ही सोचो बेड़ियों के भय से कैसे मुक्त होगा। अब ये रीजन मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ कि जिसने भगवान को निश्चय से जान लिया उसने अपनी आत्मा को जान लिया। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वो निशंकित है, उसे शंका नहीं है। शंका अर्थात डाउट्स। वो श्योर है, एकदम श्योर कि अगर मरण होगा तो शरीर का होगा, मैं और मेरी आत्मा, मेरा मरण कभी नहीं होगा, ऐसा उसके एकदम ख्याल में एकदम श्योर है। तो उसको भय भी नहीं है कि अगर मेरा ये जो सांकलें बंधी हुई हैं ये तो शरीर के बंधी हुई हैं, मैं तो अबंध हूं, मैं इसे तो नहीं बंधी हुई है, तो उसे उस बात का भय भी नहीं रहता। इस प्रकार से वो बंधन के भय से मुक्त हो जाता है। परंतु अपन को प्रथमानुयोग में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जिनमें बंधन से भी मुक्त होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ चंदन बाला की कहानी। चंदन बाला जो है वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, तो उनकी सुंदरता पर मोहित होकर के, उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर के एक विद्याधर उन्हें उठाकर ले गया, हर के ले गया, और विद्याधर ने उन्हें एक चंदन बाला को एक जंगल में छोड़ दिया। अब वो बेचारी स्त्री अकेले जंगल में थी, वहां पर उसे किसी सेठ ने, किसी भील ने पकड़ लिया, किसी भील ने पकड़ लिया और सोचा कि इस सुंदर स्त्री को अपन वैश्य बाजार में बेचेंगे तो इसका अपन को अच्छा दाम मिलेगा। तो चंदन बाला को वो ले गए वैश्य बाजार में बेचने के लिए। वैश्य बाजार में जब उनकी बोली लग रही थी चंदन बाला की, तब साइड में से एक सेठ जी गुजर रहे थे। सेठ जी जो है मंदिर से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में बोली लग रही थी, तो सेठ जी ने देखा और वो देखते ही समझ गए कि ये चंदन वाला किसी भले परिवार की लगती है, किसी अच्छे कुल की लगती है, बेचारी कोई मजबूरी में यहाँ फंस गई है। तो सेठ जी ने क्या किया, उन्होंने चंदन वाला को वहां पर पैसे देकर ये खरीद लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आए और घर में उसे रखने लगे, क्योंकि वहां वैश्य बाजार में उन्हें नहीं जाने देना था। इस प्रकार तो चंदन वाला को वो घर में रखने लगे, तो सेठ जी की जो पत्नी थी उनको डाउट हुआ कि कहीं मेरे पति को इस चंदन वाला पर मोह तो नहीं आ गया। उनको ऐसा, पत्नी को ऐसा संशय हुआ। तो एक बार सेठ जी 4-5 दिन के लिए नगर से बाहर गए किसी काम के विषय में। ऐसे में वो जो सेठनी थी, जो पत्नी थी, वो पहले ही चंदन बाला की सुंदरता से जलती थी, कुर्ती थी चंदन बाला की सुंदरता से, और उन्हें ऐसा शंका भी थी कि कहीं मेरे पति चंदन बाला पर मोहित ना हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, चंदन बाला के बाल कटवा दिए। चंदन बाला की खूबसूरती जो थी बालों में थी, चंदन बाला अपने बालों से बहुत सुंदर लगती थी, तो उसके बाल ही मुंडवा दिए, उनको गंजा करवा दिया और उनको पहनने के लिए भी एक सफेद सी पुरानी फटी सी साड़ी दे दी और उनको खाने के लिए भी चावल दे दिए, भात चावल, अधकचरे से चावल, और उनको जो है अपने लॉन में रखने लगी, बाहर जो गार्डन होता है उसमें। अब वहां बेचारी चंदन बाला ऐसे ही रहती थी, ऐसे ही जीवन यापन करती थी। एक दिन वहां उस गली में से मुनिराज महावीर गुजर रहे थे। जब महावीर भगवान एक मुनिराज थे,
तब वो उस गली में से गुजर रहे थे। वहां पर मुनिराज को देख करके चंदन बाला के मन में ऐसा विचार आया कि आहा, अगर मैं ऐसे मुनिराज को आहार दे पाती तो कितना अच्छा होता। उसके मन में आहार देने की इच्छा उत्पन्न हुई। वो पूरे हृदय से आहार देना चाहती थी, परंतु उसने देखा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं मुझसे वे आहार लेंगे या नहीं। परंतु केवल भगवान को आहार देने की इच्छा मात्र से चंदन बाला की जो रूप था वो भी थोड़ा ठीक हो गया, उसके कपड़े भी साफ हो गए, उसका जो चावल था वो भी थोड़ा रस वाला हो गया, और फिर उसने महावीर मुनिराज को जो है करवाया, आहार करवाया, आहार दिया। ऐसी चंदन बाला की कहानी है। और दूसरी कहानी क्या कहें हम, आचार्य मानतुंग जी की बात ही ले लीजिए, जिन्होंने खुद इस स्तोत्र की रचना की है। आचार्य जी के साथ क्या हुआ था? आचार्य जी को भी तो कोठरी में बंद किया गया था ना, लॉकअप्स में, प्रिजन में बंद कर दिया गया था, उनको भी तो चेन्स के पीछे डाल दिया था। तो उन्होंने भगवान का नाम लिया, उन्होंने स्तोत्र की रचना की, और एक एक ताला टूटता गया। ये कहानी तो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। तो ये भगवान के नाम के पुण्य के उदय से हुआ है कि आप भगवान का नाम लेंगे, उससे भी आपको महापुण्योदय होगा, आपको पुण्य संचित होगा। और देखो, और भी इस विषय में कहानी आती है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण जो है उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। कि एक बार जब उनका जन्म हुआ था तो इस भय से कि कहीं रावण श्री कृष्ण को मार ना, सॉरी 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 कंस जी, कंस श्री कृष्ण को मार ना दे, उनको मतलब संहार ना कर दे, ऐसे भय से उनके जो पिता थे वो उन्हें जेल से बाहर ले जाना चाहते थे। ऐसे में श्री कृष्ण के पुण्य उदय की वजह से वहां पर जेल के ताले अपने आप खुल गए, जेल के डोर्स अपने आप ओपन हो गए। कैसा चमत्कार हुआ! जो डोर्स कभी ओपन नहीं होते थे वो श्री कृष्ण के पुण्य की उदय की वजह से हो गए। क्यों? क्योंकि वो खुद भी एक नारायण थे, प्लस वो भी धर्मी थे, धर्मात्मा थे वे भी, जिनेंद्र भगवान का नाम लेते थे। इस वजह से, उनके पुण्य उदय की वजह से वहां जेल से वो मुक्त हो पाए, बंधन से मुक्त हो पाए। तो ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको बताए चंदन बाला के। चंदन बाला को भी वो जो है पशुओं की तरह सेठानी बांध कर रखती थी, बड़ी विकट स्थिति हो गई थी। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने महावीर मुनिराज को आहार करवाया, सारे बंधन टूटने के बाद। ऐसी महान भगवान के नाम की महिमा है। अब अपन इसका सार पढ़ लेते हैं। जिनका शरीर पैर से लेकर कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ा हुआ है और विकट सघन अर्थात कसकर बांधी हुई बेड़ियों से जिनकी जंघाएं अत्यंत छिल गई है, ऐसे मनुष्य निरंतर आपके नाम मंत्र को स्मरण करते हुए शीघ्र ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। अब अपन जो है इन दोनों श्लोकों को एक बार रीड करते हैं। रीड करते वक्त इन दोनों श्लोकों का मीनिंग आपको ख्याल आना चाहिए। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोना शोच्याम दशाम उपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देख देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं ब्रहन्निगड़ कोटिनि
जंघा त्वन्नाम मंत्रमनीषम मनुजास्मरन्ता सत्यः स्वयं विगतः बंधभयाभवन्ति। अब इन दोनों श्लोकों में आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप निशंकित होकर के पूछ सकते हैं, निर्भय होकर के पूछ सकते हैं। तभी फिर अपने हाथ जोड़ लें जिनवाणी स्तुति के लिए। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। आज यही विराम देते हैं। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। थैंक यू दृष्टि। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र।